पंजाब के कपूरथला में देर रात गैंगवार की खबर है। बताया जा रहा है कि अपराधियों के दो गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई। दोनों गुटों के बीच करीब 20 से 25 गोलियां चली हैं। इस वारदात में एक युवक के घायल होने की खबर है, जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मामला चुड़वाल इलाके का बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस के एक होमगार्ड के बेटे का नाम सामने आ रहा है। उक्त पंजाब पुलिस का होमगार्ड सिटी थाना में ही ड्राइवर के तौर पर तैनात है। वहीं गोलीबारी में युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। घायल की पहचान संजीव के रूप में हुई है। घायल संजीव के मुताबिक वह रात को घर के बाहर बैठा था। इस दौरान कुछ लोगों ने लगातार गोली चलानी शुरू कर दी, जिससे उसके पैर में गोली लग गई। वहीं संजीव के पिता के मुताबिक गोलियां चलाने वाले दो दिन पहले भी आए थे। उस दिन उन्होंने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला किया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद आज यह घटना हुई है। उधर घटना के बाद मौके पर PCR की टीम पहुंची, लेकिन पुलिस कैमरे के सामने आने से बची दिखी। डॉक्टर के मुताबिक घायल की स्थिति खतरे से बाहर है और उसके पैर में गोली लगी है, जिसे निकाल दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।